हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दिवाली इज ओवर नाउ, बैक टू वर्क, वी ऑल आर बैक टू वर्क नाउ। सब अपने अपने काम पर लौट चुके हैं। उसी तरह से एक और काम पर लौटते हुए एक और रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके सामने आज फिर से। आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो, वो है प्रोडक्ट आज का, ये डाबर वाटिका नेचुरल्स हेल्थ शैम्पू विद हेना एंड आमला की गुडनेस। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने शेयर की थी आपके साथ जब मैंने इसको परचेज किया था। फर्स्ट इम्प्रेशन इसका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज पहली बार मैंने इसको यूज किया है। देखिए, मेरे बाल भी गीले हैं और मैंने इसी से अपने बालों को वॉश किया था। ऐसा लगा मुझे यही अच्छा लगा या बुरा यही शेयर करूंगी मैं आज आपके साथ। पहले इसके आउटर पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये है 640 ml क्वांटिटी की बॉटल, छोटा बड़ा पैक इससे, इस बॉटल से छोटा बड़ा पैक भी आता होगा, बट मेरे पास जो बॉटल है वो 640 ml की है। 445 इसका प्राइस है और 821 इसका पैक है। 823 तक ये चलेगी। और इसके अंदर गुडनेस जो है वो 7 पोशन वाला शैम्पू इस पर लिखा है। इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर, ये डाबर के प्रोडक्ट्स हर्बल होते हैं फ्रेंड्स एज यू नो। इसके अंदर शिकाकाई है ना, आलमंड, आमला, हिबिस्कस एंड रीठा, ये सब इसके अंदर डले हुए हैं। और बाकी सब नाम है जो वो हमें इतना नहीं सुनने में आते। ऑलिव ऑयल, लैक्टिक एसिड, विटामिन ई, ये सब भी लिखा है इसके ऊपर। पैराबीन्स वगैरह तो इसमें होते नहीं है क्योंकि हर्बल है। तो यही 7 इंग्रेडिएंट्स जो मेन मैंने आपको बताए हैं ना, शिकाकाई, ऑलिव, आमंड, हिबिस्कस, आमला, रीठा, ये सब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है जो कि बेस्ट है हमारे हेयर के लिए, हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ये। तो ये तो थी इसकी आउटर पैकेजिंग। कलर इसका मैं बताऊं आपको तो ग्रीन कलर का, जैसे आपको ये पैक इसका दिख रहा है इसी कलर का इसके अंदर शैम्पू है। और मेरे बालों में काफी ऑयल था जब मैंने इसको यूज किया क्योंकि आज संडे है और कल सैटरडे था, तो मैंने काफी सारा ऑयल लगाया हुआ था अपने बालों में। और मैंने यही चेक करना था कि ये बालों में से ऑयल को रिमूव करता है या नहीं। इसके रिजल्ट्स कैसे रहे मैं शेयर जरूर करूंगी। वीडियो को पूरा देखना है आपने, इसको परचेज करना है अगर, तो बने रहिएगा एंड तक। जैसे मैं यूज करती हूँ शैम्पू को वाटर के अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसके बाद मैं यूज करती हूँ अपने बालों पर। तो मैंने 3 पंप लिए थे इसके, मेरे बालों की जितनी लेंथ है ये आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इतनी ही लेंथ है और 3 पंप मैंने इसके लिए थे थोड़े से पानी में, मग में। और फिर उसको मैंने अच्छे से डाइल्यूट किया और फिर मैंने जब उसको अप्लाई किया तो अच्छा खासा इसने झाग भी दिया। खुशबू इसकी जो थी बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। इतना पार्ट इसका बहुत अच्छा लगा मुझे कि झाग भी दे रहा है ये, क्योंकि जब तक झाग नहीं होगी शैम्पू में तो आपके बालों में से ऑयल को नहीं निकालेगा वो। और डाइल्यूट हो गया अच्छे से, बहुत ज्यादा लिक्विड ही नहीं था, जैसा शैम्पू होना चाहिए वैसा ही था। और जब मैंने इसको अप्लाई किया तो आई वॉज सरप्राइज कि इसने थोड़ा सा ही, जैसे मैंने इसको अच्छे से अपने स्कैल्प्स पर मसाज किया तो बहुत अच्छी तरह से फ्रेंड्स इसने मेरे बालों में से ऑयल को निकाल दिया है। अभी देखो, मैंने दूसरी बार इसको यूज नहीं किया, एक ही बार भी मैंने इसके 3 पंप लिए थे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसने मेरे बालों में से तेल को निकाल दिया है। अभी मेरे बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, मैंने कॉम्ब भी नहीं किया अभी तक, मैं अपनी फिंगर से ही डिटेंगल कर रही हूँ आपके सामने। और ऑयल नहीं है मेरे बालों में, हल्के से गीले हैं इसलिए आपको थोड़े से ये इनमें वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन ऑयल बिल्कुल निकल चुका है मेरे बालों में से और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ इसके रिजल्ट से। क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा नहीं लगी, 3 पंप मैंने इसके लिए अपनी लेंथ हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, और उसी में मेरा काम हो गया, मेरे बालों में से सारा ऑयल निकल गया। तो ये रिमूव करता है ऑयल। अब हेयर फॉल पर कितना काम करता है वो तो फ्रीक्वेंट यूज जब मैं इसका करूंगी तभी पता चल पाएगा, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन जो था इसका ऑयल को रिमूव करने वाला वो उसमें ये पास होता है, 10 out of 10 फॉर दैट। और मेरी तरफ से आप मैं इसको रेकमेंड करती हूँ, मेरी तरफ से यस है अगर आप हर्बल की तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि इससे पहले मैं जो शैम्पू यूज करती थी उसने मेरे बालों को काफी डैमेज किया, मैंने उसको फिर चेंज करना ही बेटर समझा कि कोई फायदा नहीं है इसको कंटिन्यू करके, बालों को डैमेज ही कर रहा है।
और सल्फेट्स वगैरह थे उसके अंदर, तो इसके अंदर हाँ हार्मफुल केमिकल नहीं है, हर्बल है ये। तो मैंने इसकी तरफ स्विच किया। अब इसके रिजल्ट्स एक वीडियो और बनाकर मैं शेयर कर दूंगी, कुछ दिन और यूज कर लूँ। आज फर्स्ट इम्प्रेशन है ये, फर्स्ट इम्प्रेशन में इसने फुल मार्क्स लिए हैं, तो यस है। पीना चाहते तो जरूर ट्राई करो इसको। यही था इसको लेकर मेरा ओपिनियन, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, अच्छा यूजफुल और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिए। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैंने शैम्पू के साथ साथ ही मैंने अपना कंडीशनर भी चेंज किया है। इससे पहले मैंने मामाअर्थ का यूज किया हुआ था, अब वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो मैंने इस पर स्विच किया है। ये है बायोटिक का बायोथाइन। अभी इस शैम्पू के वीडियो के बाद मुझे इसका भी वीडियो शूट करना है, तो आप जरूर देखिएगा। ये भी एक नया प्रोडक्ट है, कंडीशनर है ये, तो इसका रिव्यू मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर। देखना चाहोगे तो देख सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।